नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। राजद में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, पहले जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे तेज प्रताप यादव के वजह से, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने उन्हें हिटलर कहा था और फिर कई आरोप लगाए थे। उसके बाद जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे, जबकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो आए तो पहला जो गाज गिरा वो गिरा तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले आकाश यादव पर। छात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे आकाश यादव, उनको हटा दिया गया, गगन यादव को बनाया गया। उसके बाद जो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जगदानंद सिंह, उसके बाद जब मीडिया सवाल पूछते हैं कि क्या आप तेज प्रताप यादव के भाषण से, तेज प्रताप यादव के कुछ कहने से नाराज चल रहे थे, तो जगदानंद सिंह ने कहा कि कौन है तेज प्रताप यादव, मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जानता हूं जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं किसी को नहीं जानता। इन सब चीज़ों को लेकर जब तेजस्वी यादव से बात की गई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि पार्टी में रहना है तो शिष्टाचार से रहना पड़ेगा, शिष्टाचार को फॉलो करना पड़ेगा, तभी पार्टी में रहना है। और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है। अब तेज प्रताप यादव इन सब चीज़ों को लेकर बहुत नाराज चल रहे थे, आग बबूला हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जगदानंद सिंह जाकर मेरे पिता लालू प्रसाद यादव से पूछे कि कौन है तेज प्रताप यादव, वही अच्छे से बता पाएंगे कि कौन है तेज प्रताप यादव। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं अपने भाई से मिलूंगा और इन सारी बातों को रखूंगा, उनसे बात करने के बाद अगर वो नहीं सुनेंगे तब मैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी से मिलूंगा और उसके बाद ही कुछ कर पाऊंगा। लेकिन जगदानंद सिंह के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पार्टी के किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं रहूँगा। यहाँ तक कह दिया कि मैं कोर्ट जाऊँगा और उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ूंगा, लंबी लड़ाई है। इन सब चीज़ों को लेकर जब तेज प्रताप यादव कल पहुंचे थे तेजस्वी से मिलने राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे, आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद कहा गया आया उनको कि तेजस्वी यादव सो रहे हैं, अभी आधा घंटा इंतज़ार करिए। और जब वो इंतज़ार करने के बाद बाहर आए तो वो बोले, मीडिया से बोले कि अभी तेजस्वी यादव सो रहे हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर उठेंगे तो फिर मैं बात करूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि अंदर क्या बात हो रही। 10 से 15 मिनट बाद तेज प्रताप यादव बाहर आते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं और कहते हैं कि अभी तेजस्वी यादव आए थे मुझसे बात करने और संजय यादव ने उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया। कौन होते हैं संजय यादव, हम दोनों भाइयों के बीच में दरार क्यों डाल रहे हैं, हम दोनों भाइयों को क्यों लड़ा रहे हैं, और गुस्से में राबड़ी आवास से निकल गए। अब देखना ये है कि कल वो कह के गए हैं कि आज वो जनता दरबार राजद के कार्यालय में लगाएंगे। अब देखना ये है कि राजद के कार्यालय में अगर जनता दरबार लगाते हैं तो क्या जगदानंद सिंह वहाँ मौजूद रहेंगे। जगदानंद सिंह प्रतिदिन 11 से 12 के बीच में पार्टी कार्यालय आ जाते हैं, अपने केबिन में बैठे रहते हैं और सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं, तो क्या आज जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय में मौजूद होंगे, क्या तेज प्रताप यादव आज पार्टी कार्यालय आएंगे, जनता दरबार लगाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय आएंगे। और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।